स्वदेश वाणी। झरिया के मातृ सदन अस्पताल में 6.5 माह की गर्भवती महिला व उसके बच्चे की मौत होने पर मृत महिला के पति मोहम्मद सोनू व उसके परिजनों ने शुक्रवार की देर शाम खूब हंगामा व तोड़फोड़ किया। 6.5 महीने की गर्भवती को इलाज करने के लिए 2 दिन पहले झरिया के मृत सदन अस्पताल में भर्ती कराया था, जिसके बाद चिकित्सक रुखसाना खातून ने कहा कि अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा। बच्चे की धड़कन कम पता चल रहा है, जिसके बाद गर्भवती महिला सोनिया खातून का अल्ट्रासाउंड कराया गया, जिसमें पता चला कि गर्भ में ही 6.5 महीने के बच्चे की मौत हो चुकी है, जिसके बाद परिजन रोते हुए ऑपरेशन के द्वारा बच्चे को गर्भ से बाहर निकालने की अपील की, साथ ही डॉक्टर से बच्चे की मां को हर हाल में बचाने की बात कही। लेकिन दूसरे दिन भी चिकित्सक ने ऑपरेशन के बाद बच्चे को मां के गर्भ से बाहर नहीं निकाला, जिसके बाद अचानक गर्भवती महिला सोनिया खातून की शुक्रवार की देर शाम मौत हो गई, जिसके बाद महिला के पति मोहम्मद सोनू व उनके परिजन रोते बिलखते हुए अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ भड़क गए और अस्पताल के कर्मचारी चिकित्सक के साथ नोकझोंक हो गया। अस्पताल के अंदर स्ट्रक्चर और कुर्सी टेबल को भी तोड़फोड़ कर परिजनों ने कहा था कि चिकित्सक की लापरवाही के कारण ही गर्भवती महिला की मौत हुई है। स्वदेशवाणी के लिए झरिया से सचिन सिंह की रिपोर्ट। अब इसको ऐसे 3 दिन पहले 2 बजे रात में एडमिट किए थे, लेके आए तो बोला ठीक है, अब इसको ठीक कर देंगे, डिलीवरी करा देंगे। बोला अल्ट्रासाउंड कराइए, उसके बाद लाने के बाद बोला बच्चा मरा हुआ है, हम बोले इसको किस तरह से निकाल दिए, इसको पता लेडीज को पता नहीं चलना चाहिए। उसके बाद ये बोला हाँ ठीक है हो जाएगा, खून मंगवाया, दवाई मंगवाया, सब कुछ मंगवा रहा, हम सब दे रहे हैं। अब अभी थोड़ा देर पहले भी हम इसको जाके अपना परिवार से हम लोग बहुत बढ़िया से बैठ कर दोनों बात किए, और बात करने के बाद हम जब बोला मेरा पैर तरह तरह जी दवा दीजिए, हम उसका पैर उर सब दवा के आए, जब हम दवा के बाहर आ रहे हैं हमसे ज़बरदस्ती लोग साइन करा रहा है कि साइन करो और बोलो कि हम अपना मर्जी से लेके जा रहे हैं मरीज को यहाँ से, और उसके बाद बोला जाकर पेशेंट को देख लो, पेशेंट को देख रहे तो पूरा बेहोशी के हालात में पूरा मुँह से फैन मतलब जमीन है, ख़त्म है सब कुछ, और ज़बरदस्ती हमको बोल रहा है इसका पैसा वापस ले लो, ऐसे ले लो, और साइन करके हमको ज़बरदस्ती मतलब बोल रहा कि ले जाइए यहाँ से। बच्चा पेट में मरा हुआ था तो हम लोग बोले इसको किस तरह से निकाल दीजिए, तो बोला कि इसको हम नॉर्मल डिलीवरी करवा देंगे। हम लोग बोले ठीक है, जो मांगा जैसे मांगा हम लोग सब दिए। शाम में आज 2 बजे के बाद 2 बजे बोला कि हम शाम तक बच्चा नॉर्मल डिलीवरी करवा देंगे। हम लोग बोले ठीक है, हम लोग जा रहे मिल के आ रहे, बोला खून चढ़ा रहा था, खून चढ़ ही रहा, जब वेटर नर्स को बोल रहा तो नर्स बोल रहा हम किधर किधर सुने, तो आप किस चीज़ के लिए यहाँ पर है। पत्नी अभी से कम से कम आधा घंटा पहले डेट की होगी, सोनम खातून 20 वर्ष, एक कुजुंडा स्टेशन हजरा बस्ती, एमडी सोनू, हमसे तो पहले ही ले चुका 4,000 रुपया, जिसमें से मेरा 3,000 के बिल बनाया, फिर हमसे पैसा ऐसे वैसे दवाई मांग रहा है लम्बा लाने के लिए, वो लाने बोल रहा है बस। डॉक्टर लोग अभी पैसा दे रहा हमको, बोल रहा जो तुम्हारा पैसा दिया वो पैसा लो, और जैसे तैसे हमको सेंड करा रहा, बोल रहा ले जाओ, बोल रहा कि मरीज अपना अपना मन से हम ले बोला हम अपना मन से छुट्टी करा के मरीज को ले जा रहे हैं, और हमको इस तरह से बोला जा रहा है, और हमको जल्दी जल्दी सेंड करवा रहा है। हम इस पर केस करेंगे, जब तुमसे नहीं संभल रहा तो क्यों मेरा मरीज को रखा, और अभी 20 मिनट आधा घंटा पहले हम देखे तो मेरा परिवार एकदम सही था, हमसे बात कर रहा जैसे अभी हम बात कर रहे, इस तरह से बात कर रहा, कोई दिक्कत कोई फोड़ नहीं। डॉक्टर मकसूद आलम इसका इलाज किया, डॉक्टर का नाम हमने नहीं आता लेकिन बता रहा, मकसूद आलम डॉक्टर का नाम है ये। सर क्या सूचना मिली थी सर? थाना प्रभारी के द्वारा फोन में हमको सूचना दिया गया, वहाँ पे यानी कि लड़का में यही औरत थी, उसको 2 दिन से एडमिट था, फिर उसके हम सत्यापन करने के लिए आए, हम पता चला कि आगे क्या कुछ कार्रवाई कीजिएगा सर? उसमें 2 तारीख को लगभग 4 बजे भोर में वो पेशेंट आई पेट में दर्द लेकर के, उसको 6.5 महीना का पेट में बच्चा था, तो उस वक्त ड्यूटी में डॉक्टर रुखसाना थी, मैडम थी और हम थे, डॉक्टर
रुखसाना मैडम उनको देखी, जांच की, तो बोली कि बच्चा का धड़कन नहीं मिल रहा है, तो बच्चा आपका ठीक लगता नहीं है लेकिन श्योर नहीं है, इसके लिए अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा। तो अल्ट्रासाउंड उसको कराया गया तो बच्चा उसमें डेथ निकला, डेथ निकला। उसके बाद में हम लोग उसका ब्लड टेस्ट वगैरह कुछ था नहीं, क्योंकि शुरू से सरकारी अस्पताल में दिखा रही थी, हम लोग क्या दिखा नहीं रही, पहली बार आए थे हम लोग, तो केंदुआ में कोई सरकारी अस्पताल है वहीं उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। फिर हम लोग ब्लड व्लड टेस्ट करवाए, उसका ब्लड टेस्ट करवाया तो उसमें हेमोग्लोबिन 6 ग्राम आया। वैसे हालत में हम लोग बोले भी कि ऑपरेशन करके निकालते, तो 6 ग्राम में ऑपरेशन कैसे करेगा, 6.5 महीने का बच्चा है पेट में छोटा सा, तो ब्लड व्लड चढ़ जाएगा उसके बाद में, फिर 1-2 बोतल कम से कम ब्लड चढ़ जाएगा, फिर उसके बाद में पेशेंट स्टेबल होगी तब ना ऑपरेशन के लायक रहेगी, तब ना करेगा कोई डॉक्टर। तो 1 बोतल कल ब्लड चढ़ा, 1 बोतल आज चढ़ा, 2 बोतल ब्लड चढ़ा, अचानक उसको जो है ना वो एक कन्वर्सन टाइप के उसको आने लगा, जिसको एक्लेम्सिया भी बोला जाता है, तो वो आया। उसके बाद में आधे घंटे के अंदर में पेशेंट शॉक में चले गए, फिर उसका डेथ हो गया। पेट में ही या फिर निकल चुका है बच्चा पेट में ही है, बच्चा भी निकला नहीं। परिजन लोग आरोप लगाया कि सर अगर बच्चा मर गया था तो उसे पेट से निकाल दिया जा सकता था। देखिए निकालने में देरी के कारण ये है कि उसको ऑपरेशन के लायक वो पेशेंट थी नहीं, तो कैसे ऑपरेशन आप कीजिएगा, 6 ग्राम हीमोग्लोबिन में कोई भी ऑपरेशन डॉक्टर कैसे करेगा। जब तक 1-2 बोतल ब्लड उसको चढ़ा नहीं लेगा, 1-2 बोतल ब्लड हाथ में नहीं रख लेगा, जब तक कैसे पेट खुलेगा, कोई भी डॉक्टर कहीं का भी डॉक्टर हो। कितना होना चाहिए टोटल, क्या 1 ग्राम होना चाहिए। कितने बजे सर डेथ की थी? 5:10 में अभी हुआ। अभी से परिजनों ने क्या किया सर? परिजन अभी आए, हल्लांगामा किया, हमारे साथ में दुर्व्यवहार किया, क्योंकि मैडम तो अभी थी नहीं, मैडम का तो नाइट में ड्यूटी है तो नाइट में आती हैं, तो अभी हम थे सामने तो हमारे साथ में दुर्व्यवहार किया, और हम लोगों से तो कोई गलती भी नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग के यहाँ शुरू से ट्रीटमेंट भी उसका नहीं चल रहा था, कि तो होता कि भाई शुरू से आप देख रहे हैं तो ऐसा क्यों हुआ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।